वेलकम बैक। पैसे वॉइस हमारा ख़त्म हो चुका है। आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है रिपोर्टेड स्पीच। तो REPORTED रिपोर्टेड स्पीच, SPEECH रिपोर्टेड स्पीच, ये टोटल होता है कुल मार्क्स 4 अंकों का। ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। इसके आपको एक क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट पूछे जाते हैं, जो कि एक संवाद यानी कि डायलॉग की फॉर्म में आपसे ये पूछे जाते हैं। और प्रत्येक जो दोनों क्वेश्चन होते हैं वो प्रत्येक दो दो अंकों के होते हैं, कुल ये 4 अंक का होता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच होती क्या है। रिपोर्टेड स्पीच से मतलब है कही गई बात, यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा। वो व्यक्ति आप स्वयं हो सकते हैं, या वो व्यक्ति कोई और आपको कहने वाला हो सकता है, या फिर वो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति को कहने वाला हो सकता है जिसने फिर आपको ये बात बताई। तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों के बीच के अंदर ये जो बात है वो सर्कुलेट हो सकती है। किसी का भी मतलब फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन या सेकेंड पर्सन, कोई भी बीच में बात ये हो सकती है। तो रिपोर्टेड स्पीच में या किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को व्यक्त करने के दो तरीके होते हैं, जो कि इस रिपोर्टेड स्पीच में हम पढ़ते हैं और जिसके संबंध में ये टॉपिक है। तो पहला तरीका होता है डायरेक्ट, DIRECT, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच यानी कि सीधी बात, जो आपको किसी ने कही वो बात, जब जैसी उसने कही, कहने वाले ने, वक्ता ने आपसे जैसी बात कही, उसे आप बिना कोई बदलाव किए उसी के शब्दों में व्यक्त कर देते हैं, तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो जब वक्ता द्वारा कही गई बात को बात में बिना कोई बदलाव किए कहना भी हो सकता है या लिखना भी हो सकता है, जैसे कि हम इस टॉपिक में लिखने वाले हैं। लेकिन मोस्टली ये बोलने का तरीका है, स्पीच का तरीका है। तो पहला तरीका ये होता है। दूसरा तरीका होता है इनडायरेक्ट, INDIRECT, इनडायरेक्ट स्पीच। वक्ता द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में व्यक्त करना। जब आप वक्ता के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में व्यक्त करते हो तो वो प्रकार कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो हमें क्या होता है, क्वेश्चन दिया गया होता है इस फॉर्म में, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में, और हमें बदलना होता है वो इनडायरेक्ट स्पीच में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच कैसा दिखता है और फिर चेंज करने के बाद में वो किस प्रकार का नजर आता है। तो आपको जो एग्जाम्पल दिया जाता है, जो जो सेंटेंस आपको दिया जाता है, वो कुछ इस तरह का होता है। राम सेड टू गोपाल, इसके बाद में कोमा, और हमेशा इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो कही गई बात होती है वो बंद होती है। पहला लेटर हमेशा कैपिटल आता है, चाहे वो कैसा भी हो।
कैपिटल होने से मतलब ये है कि अगर कोई प्रॉपर नाउन, कहने का मतलब किसी स्थान का नाम, व्यक्ति का नाम हो, तो उसका पहला लेटर तो बड़ा होना ही होना है। अदरवाइज और भी किसी वर्ड से अगर ये वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है, तो हमेशा पहला लेटर जो है वो कैपिटल आएगा। जैसे इंग्लिश, इंग्लिश इज फन, और ये इन्वर्टेड कॉमास में बंद होता है। इस प्रकार का वाक्य आपको दिया गया होता है और ये कहलाता है डायरेक्ट। डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है कि ये जो पार्ट है, दो पार्ट है ये, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग पार्ट, और ये वाला पार्ट कहलाता है रिपोर्टेड पार्ट, रिपोर्टेड पार्ट। तो ये वाले पार्ट को हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, और वो वाला कहलाता है रिपोर्टेड क्लोज, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच। ये इसमें चेंजेस अलग होते हैं और इसके चेंजेस अलग होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इस वाले पार्ट में हम देखते हैं कि अगर इस वाले पार्ट में कोई सब्जेक्ट वगैरह दिया गया हो, सब्जेक्ट के बाद में अगर अब ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट होता ही होता है, लेकिन अगर वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट हो, यानी कि टू, अगर टू आता है तो टू हमेशा तभी आएगा जब ऑब्जेक्ट हो। तो आपको ध्यान देना है कि अगर इस वाले पार्ट के अंदर टू हो और टू के बाद में किसी व्यक्ति का या कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिया गया हो, तो आप बेसिकली समझ सकते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है, टेंस में आपको बताया गया है। लेकिन फिर भी अगर ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने में कुछ आप असक्षम हैं, तो ये टू इसकी पहचान होता है कि टू के बाद अगर टू लगा है तो डेफिनेटली यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा। तो अगर ये ऑब्जेक्ट दिया गया होता है तो इस वाले वर्ब में चेंज होता है, वो हमेशा बदलती है। इस वर्ब को हम चेंज करते हैं, उसके रूल हम आगे अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो हम इसे इस प्रकार से बदलते हैं, राम टोल्ड गोपाल दैट इंग्लिश वाज फन। ये वाला पार्ट जो है ये कहलाता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो हमें इस तरह का सेंटेंस दिया गया होता है जो कि ये वाला पार्ट कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब और उधर वाला रिपोर्टेड स्पीच। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों में डिफरेंस ये है कि ये वाला पार्ट जो है ये कोमा से पहले होगा और इसके अपने अलग चेंज हैं, और इधर वाला जो पार्ट है वो इन्वर्टेड कोमा में बंद होगा और उसके टेंस के और जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है उनके डिफरेंट रूल है। तो हमें इस तरह से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलना होगा। तो ये अभी आप, हो सकता है आप सोच रहे हैं कि किस तरह से क्या आया, लेकिन डेफिनेटली हम इसके बारे में बात करेंगे, तो जैसे जैसे आप रूल्स जानते जाएंगे ये चीज़ समझ में आपको आ जाएगी। तो ये चीज़ें आपको नोट कर लेनी है प्रत्येक चीज़ को। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको याद रखना है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है और वो रिपोर्टेड स्पीच है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो ये जब हम कर्ता के द्वारा जिस प्रकार से राम ने गोपाल को कहा, वैसे के वैसे हमने ये बात यहाँ लिख दी, इसलिए ये डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट, यहाँ पे हमने राम के द्वारा गोपाल को कही गई जो बात थी वो अपने शब्दों में व्यक्त कर दी है, तो इसलिए ये इनडायरेक्ट है। इसको देखते हैं अच्छी तरीके से, इसके जो रूल्स वगैरह हैं। नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया होने पर, दिया होने पर वर्ब में
निम्न परिवर्तन होते हैं परंतु वर्ब का टेंस वही रहता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया होने पर जो वर्ब जो में जो चेंज होंगे वो अभी हम देखते हैं। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस प्रकार का टेंस उसमें दिया गया है, अगर वहाँ पे पास्ट टेंस दिया गया है तो वो पास्ट टेंस में ही रहेगी, यथावत उसका टेंस रहता है, उसके टेंसेस में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे कि अगर वर्ब से होती है तो वो बदलती है टेल में, सेज हो तो वो बदलती है टेल्स में, सैड हो से सेज हो तो वो टेल्स में बदलती है, और सैड हो तो वो टोल्ड में बदलती है। तो ये कब होता है पॉसिबल? जब ऑब्जेक्ट दिया गया हो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है तो ये से का से ही रहता है, सेज का सेज रहता है, सैड का सैड रहता है। हमें से को टेल में तब बदलना होता है जब वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब में, जो कि मैंने अभी आपको समझाया कि शुरू वाला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब है और उधर वाला रिपोर्टेड, तो रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि शुरू वाले पार्ट में अगर ऑब्जेक्ट हो, जिसको सब्जेक्ट कुछ कह रहा है, ऑब्जेक्ट हो यानी सेड के बाद में, से के बाद में टू हो, तो उस स्थिति में ही ये चेंजेस होते हैं। से का टेल में, सेज बदलता है टेल्स में, सेड बदलता है टोल्ड में। तो ये थी सिंपल सेंटेंस की बातें। अब जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी वगैरह, तो आगे आगे आप देखेंगे कि जैसे कमांड रिक्वेस्ट आएंगी तो उसमें से जो होता है आदेश देने पर उसमें टेल की जगह ऑर्डर हो जाएगा, अगर ऑर्डर सेज है तो उसमें ऑर्डर्स हो जाएगा, सेड है तो ऑर्डर्ड हो जाएगा, निवेदन है तो से की जगह रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट और रिक्वेस्टेड। तो इस प्रकार से जो है चेंजेस उसमें होंगे। तो पहली बात ये आपको ध्यान रखनी है, इसका एग्जांपल देखते हैं अपन। आई एम रीडिंग। तो ये देखिए, मैंने कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया होने पर, तो मैंने आपसे कहा कि अगर सेड के बाद में टू हो तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट दिया गया है। और अब तक आप मतलब टेंस आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ चुके हो अच्छे से, आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ज्ञान करा दिया गया है, तो आपको ये इस तरह की जो बातें हैं निम्न ज्ञान की उनको बताने की जरूरत नहीं कि टू हो तो ऑब्जेक्ट आएगा। आप डायरेक्टली आपको बाय नाउ ये समझ में आ जाना चाहिए कि ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, जिसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में वो वर्ड आता है जिसको सब्जेक्ट जो है वो रेफर करता है। तो यहाँ देखिए कि ऑब्जेक्ट मोहन जो है वो यहाँ पे दिया गया है, सैड वर्ब है और रवि सब्जेक्ट है। तो यहाँ कह रखा है कि ऑब्जेक्ट दिया होने पर वर्ब में निम्न परिवर्तन होते हैं परंतु वर्ब का टेंस वही रहता है। तो निम्न परिवर्तन कौन से होते हैं? से का टेल, सेज का टेल्स, सैड का टोल्ड। तो इसलिए हम चेंज करेंगे, हम लिखेंगे रवि, सेड टू है तो देखिए सेड बदलता है टोल्ड में, तो हम लिखेंगे टोल्ड। अब ध्यान रखना है कि जब आप सेड को टोल्ड में बदलते हैं तो टू हट जाता है और सीधा मोहन आता है, जो ऑब्जेक्ट होगा वो सीधा आएगा। ध्यान रखना है कि सेड के बाद में जो टू है वो हट जाता है, जब हम ये चेंज करते हैं टोल्ड में बदलते हैं तो जो टू होता है वो हट जाता है और ऑब्जेक्ट हम इसके बाद में लिखते हैं। अब इन दोनों वाक्यों को ज्वाइन करने के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड को जोड़ने के लिए हमें एक कनेक्टिव चाहिए होता है, यानी कि एक योजक शब्द चाहिए होता है, कंजक्शन चाहिए होता है, जो कि साधारण वाक्यों में दैट होता है,
सबसे पहले हम साधारण देखेंगे, इसलिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। फिर जैसे इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक में हम जाएंगे तो उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होगी उस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, या फिर जो डब्ल्यू एच वर्ड होगा उससे वो स्टार्ट होगा। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के जो वाक्य होंगे उनके आगे अपन चर्चा करेंगे। फिलहाल हम सिंपल सेंटेंस देख रहे हैं, तो कनेक्टिव जो है वो यहाँ पे दैट का प्रयोग होता है। कहने का मतलब इस कोमा को आप हटाएंगे और इन कोमास को आप हटाएंगे, दोनों को जोड़ने के लिए आप पहले बीच में लिखेंगे दैट। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि टू हटेगा अगर ये बदलता है तो, और ये बदलना कब नहीं है, जब ऑब्जेक्ट ना हो। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखा है, मतलब हमें ये बदलना है। ये बदलने के लिए ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि से टेल में, से टेल्स में, सैड टोल्ड में। तो यहाँ पे सैड है तो टोल्ड में हमने बदल दिया, टू हटा दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया, और दोनों को जोड़ने के लिए हमने कनेक्टिव दैट का प्रयोग किया। अब ये है आई एम रीडिंग, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये एक एग्जाम्पल है जो कि बदलता है पास्ट कंटिन्यूअस में। तो अब आई हो जाएगा ही में, तो ये भी आगे प्रोनाउन आपको चार्ट बताऊंगा मैं। तो आई प्रोनाउन है ये बदलेगा ही में। रवि के लिए ये आया है, तो रवि का जेंडर मेल है और सिंगुलर मेल जेंडर के लिए ही काम में लेते हैं। तो ही एम, तो मैंने कहा पास्ट कंटिन्यूअस में ये बदलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ही वाज, और रीडिंग, ही वाज रीडिंग। तो इस तरह से हमें ये चेंज करने हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, रिपोर्टिंग वर्ब में दिया गया, रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते समय समय टू हटा देते हैं, टू हटा देते हैं। लेकिन कब हटाते हैं वो? जब बदलाव हो रहा हो, अदरवाइज नहीं। बदलाव कब होता है? जब ऑब्जेक्ट दिया गया हो। तो कहने का मतलब ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्ट नहीं होने पर टू नहीं हटता है, टू नहीं हटता है। तो ये चीज अब आपके क्लियर हो गई हुई कि जैसे ये वाक्य देखिए, रवि सैड टू मोहन, तो यहाँ सैड ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, टू मोहन, मोहन ऑब्जेक्ट है। तो अगर ऑब्जेक्ट दिया गया हो और हम इसे बदलते हैं तो टू हट जाता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा तो टू भी नहीं होगा, और टू नहीं होगा तो हम हटाएंगे किसे। तो ऑब्जेक्ट दिया होने पर, यानी टू मौजूद होने पर उसे जब हम बदलते हैं तो वो टू हट जाता है, अदरवाइज टू नहीं हटता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड क्लोज से या रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए साधारण वाक्यों में that, TH ET, that का
दैट का कनेक्टिव के रूप में या कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है, लोग किया जाता है। जो चीज मैंने आपको बताई कि जो इधर वाला पार्ट होता है और उधर वाला पार्ट, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड वर्ब से, रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए कनेक्टिव का, दैट का हम प्रयोग करते हैं केवल साधारण वाक्यों में। आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे कनेक्टिव चेंज होते जाएंगे, जो कि मैं आपको लिखाऊंगा प्रत्येक प्रकार के सेंटेंस से पहले उसके रूल्स हम पढ़ेंगे। तो साधारण वाक्यों में दैट का प्रयोग होता है। और जो इन्वर्टेड कोमा होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, जैसे एग्जाम्पल हरी सैड टू नीता आई लाइक इंग्लिश, तो ये एक इनडायरेक्ट का हमने एग्जाम्पल लिया। तो यहाँ देखिए सारी बातें हम अप्लाई करते हैं, ऑब्जेक्ट है कि नहीं, तो यहाँ देखिए सैड टू नीता, टू के बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा है, मतलब हमारी कंडीशन पूरी हो रही है, इसमें हमें चेंज करना है। तो मैंने कहा कि वर्ब का टेंस तो चेंज होता नहीं है, बस केवल से हो तो टेल में, सेज हो तो टेल्स में, सैड हो तो टोल्ड में, साधारण वाक्यों के अंदर। तो हरी सैड है इसलिए बदलेगा टोल्ड में। फिर मैंने आपसे कहा टू हटेगा बदलते टाइम, तो टू हटा दिया नीता। अब जब आप ये कोमा हटाते हैं, इन्वर्टेड कोमा और ये सिंगल कोमा, तो दैट का आप योजक के रूप में, कंजक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो हम लिखेंगे दैट, आई बदलेगा ही में, जिसके ऊपर अभी हम आते हैं थोड़ी देर में। आई ही में क्यों बदला ये हम जानेंगे अभी। तो देखिए कि अगर ये सैड टू है, अगर टू हो यानी ऑब्जेक्ट हो तो हमें टोल्ड में बदलना है, लेकिन क्या हो अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो ऑब्जेक्ट नहीं होने पर जैसा वाक्य ऊपर दिया गया है उसे वैसे के वैसे इसे लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सैड टू नीता की जगह केवल सैड होता, हरी सैड, और बाकी का वाक्य ऐसे कैसे होता, कॉमा और ये, तो आपको सिर्फ इतना करना था कि ये वाला पार्ट ऐसे कैसे आ जाता, हरी सैड, इसे हम ऐसे कैसे लिख देते हैं, और आगे इस वाक्य में जो चेंजेस हैं वो वैसे के वैसे होंगे। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, इस वाक्य में तभी चेंज होंगे जब वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया गया हो, अदरवाइज कोई चेंज नहीं होगा, उसे ऐसे कैसे रख देंगे। सैड टू नीता ऑब्जेक्ट दिया हो तो हम चेंज करेंगे, सैड को बदलेंगे टोल्ड में, टू हट जाएगा और नीता लिखेंगे, ऑब्जेक्ट जो भी है वो लिखेंगे, और दैट के बाद में जो भी अपना चेंजेस होंगे वो हम लिखेंगे। अब हम देखते हैं प्रोनाउन की आई ही में किस तरह से बदला, तो इसके लिए हम जानेंगे जो टेबल होती है प्रोनाउन्स की वो। तो प्रोनाउन आप सभी जानते होंगे, आई यू वी ते ही सी और इट, ये प्रोनाउन होता है, ये कहलाते हैं सब्जेक्टिव, यानी कि सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। कहने का मतलब इनका इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, ये पूरी रो जो है ये सब्जेक्टिव के रूप में काम में ली जाती है। माई
यू का होता है योर, वी का होता है ओवर, और दे का होता है देयर, ही का होता है हिज, सी का होता है हर, और इट का होता है इट्स। ये कहलाता है पजेसिव, पजेसिव केस। इसका इस्तेमाल किसी वस्तु पर या किसी भी कोई भी मतलब व्यक्ति हो सकता है, रिलेशन हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, उसके ऊपर अधिकार स्वामित्व प्रकट करने के लिए इस वाली चीज़ का प्रयोग होता है, इस वाली रो का प्रयोग होता है। कहने का मतलब जैसे मेरा पेन, तो माई पेन, तो माई यहाँ पे पजेसिव है, दिखा रहा है पेन के ऊपर स्वामित्व। माई बाइक, मेरी बाइक, योर बाइक यानी आपकी बाइक, तो ये पजेसिव स्वामित्व दिखाने के लिए ये काम में लिया जाता है। फिर आता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये केसेस, इनको केसेस कहते हैं, केस केस। आई माई मी, आई का होता है मी, यू योर और फिर से यू, वी और अस, दे देयर देम, ही हिज हिम, सी हर हर, हर ऐसे के ऐसे रहता है, और इट इट्स इट्स, ये भी ऐसे का ऐसा रहता है। ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम में आते हैं, जैसे ही गेव मी ए पेन, तो इसमें आप बताइए सब्जेक्ट क्या है, तो है सब्जेक्ट ही, गेव क्या है मैन वर्ब, मी क्या है ऑब्जेक्ट, और ए पेन ऑब्जेक्ट। तो ये और ये दोनों दोनों में डिफरेंस है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको यहाँ पर, तो देखिए सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्टिव केस ही यहाँ पे है, मी ऑब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्टिव केस में देखिए, फिर आप मी यहाँ पे है। चलिए अब देखते हैं कि प्रोनाउन से संबंधित चेंजेस किस प्रकार से होते हैं, एक एग्जांपल अपन लेते हैं। तो सी सेड, वी वोन दैट मैच, फुल स्टॉप पहले, इन्वर्टेड कॉमा बाद में आएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो सी सेड, यहां पे देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम ऐसे कैसे इसे लिख देंगे, सी सेड, कनेक्टिव के रूप में हम दैट का प्रयोग करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि वी इसको हम किस में बदले, किस प्रकार से बदले। तो इसका रूल ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन दिया गया हो, यानी कि आई या वी, तो उसे इसके अकॉर्डिंग बदलते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसे बदलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके अकॉर्डिंग हम इसे बदलेंगे, तो ये एक वचन है सी, एक वचन है, लेकिन वी बहुवचन है, तो डेफिनेटली वी बहुवचन तो हो नहीं सकता। तो इस सब्जेक्टिव रो के अंदर हम देखते हैं कि ऐसा और कौन सा वर्ड है जो बहुवचन के लिए प्रयुक्त होता है। वी का कोई जेंडर नहीं होता है ना, तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि सारे पुरुष ही हैं, ना ही आप ये कह सकते हैं कि सारे स्त्रियां ही हैं, क्योंकि वी में स्त्री भी हो सकती हैं, वी में पुरुष भी हो सकते हैं, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो वी बहुवचन है, तो आप जब वी को बदलते हैं तो आप सी के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो सी सब्जेक्टिव है, इसका केस सब्जेक्टिव है, तो हमें केस का सब्जेक्ट, जेंडर, नंबर यानी वचन और केस का ध्यान रखना होता है।
तो देखिए जेंडर वाली बात तो यहाँ लागू होगी नहीं, क्योंकि वी बहुवचन है और बहुवचन के अंदर अगर कोई जेंडर विशेष की बात होती जैसे कि गर्ल्स, तो वो जेंडर की कैटेगरी में आ जाती है, लेकिन यहाँ पे वी है जिसका कोई पर्टिकुलर जेंडर नहीं होता है। नंबर इसका बहुवचन है और केस इसका सब्जेक्टिव है। तो जो केस दे रखा है उसी केस में हम देखेंगे कि बहुवचन के लिए और कौन सा शब्द प्रयोग में लिया जाता है। तो देखिए आप सब्जेक्टिव में दे जो है इसका प्रयोग किया जाता है, तो हम वी को चेंज करेंगे दे में। वॉन्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यानी कि पास्ट सिंपल है, ये बदलता है पास्ट परफेक्ट में। तो वॉन्ट को हैड, वॉन, द, मैच, इस प्रकार से हमें इसको बदलना है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है और अब ये नोट कर लेनी है। इसके बाद में हम देखते हैं कि किस प्रकार से सभी चेंजेस होंगे। रूल नंबर 1, रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में आई फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी। तो जब आई और वी कहा जाए तो इसका मतलब ये नहीं है केवल आई और केवल वी, आई के बाद में उसकी जो पूरी रो है आई, माई और मी, ये पूरी रो इंक्लूड होगी। तो अगर आई और आई से रिलेटेड कोई भी जो वर्ड है वो, वैसे ही वी और अस, तो वो सारे फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। तो आपको क्या करना है, को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं।